जय श्री राम। फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख ही रहे हैं मैं प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे खड़ा हूँ, आप गेस भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं जहाँ खड़ा हूँ मैं अभी आपको सब चीज़ बताऊँगा कहाँ पे हूँ, किस जगह पे हूँ और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नियम फॉलो होते हैं, कैसे क्या है सब बताऊँगा। आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में और मैं हूं शुभम, आप देख ही रहे हैं मुझे। और मैं इस समय खड़ा हूं प्रेजेंट टाइम में गुलाबबाड़ी में, फैजाबाद और अयोध्या, जो कि डिस्ट्रिक्ट अयोध्या है और नाम से फैजाबाद ही जाना जाता है, फैजाबाद के मेन शहर में पड़ता है। अगर आप यहां आना चाहें उसके लिए भी मैं बात करूंगा और यहां पे क्या क्या नियम है, कैसे फॉलो होते हैं, क्या है, सारी चीज़ों की मैं बात करूंगा। और आप ये देख सकते हैं नवाब सुजाउल्लाह का मकबरा गुलाबबाड़ी है ये, और ये जो नवाब जी थे ये अपने अवध प्रांत के बहुत बड़े नवाब थे फैजाबाद के, और उन्हीं के उल्लेख में गुलाबबाड़ी बनाई गई है। और गुलाबबाड़ी का एक्चुअली में नाम कैसे पड़ा, ये गुलाबबाड़ी को, ये गुलाबों का बहुत बड़ा नगर है एक तरह से, मैं आपको अंदर ले चलूँगा तो दिखाऊँगा गुलाबों का कैसा नगर है ये इस तरह से। और आप देख सकते हैं गुलाबबाड़ी बहुत ही अच्छी तरह से बनाई गई है, आपको ले चलते हैं गुलाबबाड़ी के अंदर और आपको गुलाबबाड़ी दिखाते हैं किस तरह से बना हुआ है। आप देख सकते हैं चारों तरफ मैदान है और अंदर फूलों का बगीचा भी रहेगा, मैं आपको बगीचे भी दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं अभी अंदर आपको बगीचे भी देखने के लिए मिलेगा। और आपको बाहर से मैं बात करता हूँ, ये गेट हो जाता है, मेन गेट हो जाता है गुलाबबाड़ी का, यहाँ से आप सीधे आ सकते हैं। दूसरी जगह अगर आप रेलवे स्टेशन से आते हैं तो अयोध्या कैंट आइएगा, अयोध्या कैंट से आप चौक आइएगा, चौक से डायरेक्ट आप बोल सकते हैं गुलाबबाड़ी कौन है वो आपको पहुंचा देगा। और बाई बस भी आते हैं तब भी आपको चौक तक आना पड़ेगा, उसके बाद आप सीधे गुलाबबाड़ी के लिए लेके रिक्शा आ सकते हैं। और आपको गुलाबबाड़ी की मैं एक चीज़ खास चीज़ बताता हूँ जो कि यहाँ के लोगों को भी नहीं पता होगा, एटलीस्ट मैं आपको बताता हूँ क्या है यहाँ पे, जो सारे मकबरा पे, पूरे इंडिया के मकबरा पे नहीं होगा, वो ऐसी एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हैं अशोक स्तंभ लगा है, ये आप किसी भी मकबरा के, पूरे इंडिया के मकबरा पे इस तरह से अंदर कहीं नहीं लगा होगा। और मैं आपको पास ले चलता हूँ, इसमें क्या लिखा है पढ़ के मैं बताता हूँ। इसमें लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश की झंडा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन के अवसर पर 1 जुलाई 1952 इस स्मारक स्तंभ का शिलान्यास कैप्टन भगवान सिंह IAS जिलाधिकारी फैजाबाद के द्वारा हुआ, जो कि आप देख ही सकते हैं पूरे मकबरा में आपको कहीं नहीं इस तरह से दिखा होगा आज तक। आइए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ, अंदर के व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 15 अगस्त के लिए झंडा भी लगाया गया है, जो कि पहले नहीं था, ये 1-2 साल में लगाया गया है और ये हमेशा वैसे ही लहरता रहता है, अभी हवा नहीं चल रही है तो बहुत ही अच्छा लगता है आपको देखने में ही। और ये गुलाबबाड़ी का मेन गेट आप देख सकते हैं, यहाँ पे अंदर एंट्री होने के लिए बनाया गया है, मैं आपको अंदर ले चलता हूँ और आप भी ज़रूर आइएगा। और संडे को एक्चुअली में भीड़ भी रहती है, संडे को आज, जैसे कि आज भी संडे ही है और भीड़ भी है, ठीक ठाक भीड़ है। आप देख सकते हैं बाहर का ये व्यू है, बाहर का मैदान काफ़ी बड़ा है और मैं आपको इसके पास अंदर ले चलता हूँ, अंदर मैं दिखाता हूँ कैसे क्या है। आप जब अंदर आएंगे तो, और आप ये देख सकते हैं कितना बड़ा सा गेट है ये, और इस गेट को खोलने के लिए भी कम से कम 4-5 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ा गेट है, नवाबों का गेट है भाई, तो जाहिर सी बात है कुछ तो यूनिक होगा। और मैं आपको ये साइड से अंदर ले चलता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कुआं, शायद ढक गया होगा, बंद हो चुका है, उसके अंदर पानी भी हो कि ना हो, मैं आपको कुआं भी दिखाता हूँ, बहुत बहुत पुराना कुआं है वो। और ये मेरे ठीक सामने कुआं भी है, आप देख सकते हैं ये कुएं और मरम्मत चली रही है, एक्चुअली में क्या है बहुत से अभी कार्य इसमें प्रगति पे है, क्योंकि ये बहुत पुराना हो चुका है, आप देख ही रहे होंगे बहुत पुराना है और अभी इस पर भी काम चल ही रहा है। ये कुआं देख रहे हैं, इसमें पानी भी नहीं होगा तो इसलिए मैं ज़्यादा अंदर नहीं ले जाना चाहता हूँ, नहीं तो मैं ज़रूर लेके चलता। और आपकी यहाँ खूबसूरती देख सकते हैं, पेड़ पौधों की बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये सब नवाबों के, और नवाबों ने यहाँ पे कई सारे सुरंग भी बना के रखे हैं, अब बंद भी हो चुके हैं एक्चुअली में, सरकार ने बंद करवा दिए हैं क्योंकि बहुत से रीज़नों से बंद करवा दिए थे प्राइवेसी के लिए। और एक्चुअली में कई सारे सुरंग बनवाए गए थे, बहुत इसमें सुरंग हैं और सारे पैक हो चुके हैं, क्योंकि एक दूसरे ज़िले में जाने के लिए ये लोग सुरंग ही का इस्तेमाल करते थे पहले के ज़माने में। और मैं आपको अब अंदर ले चलता हूँ, अंदर का व्यू दिखाता हूँ गुलाबबाड़ी के अंदर का,
आइए मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में। और अगर आप वीडियो पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये एक बड़ा वाला गेट हो जाता है और ये छोटा वाला गेट है। नॉर्मली बड़े वाला जब खुला रहता है छोटा वाला यूज करने की जरूरत नहीं ना, आप ये देख सकते हैं। और देखिए गेट पे लिखा भी हुआ है और किसी ने देखिए किस तरह से इस पे थूका है, गुलाबबाड़ी परिसर में सिगरेट बीड़ी पान मसाला सख्त मना है। लेकिन देखिए क्या कर सकते हैं, खूबसूरती ज़्यादा लोगों को अच्छी नहीं लगती है। और आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है। ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे और ये आपके सामने गुलाबबाड़ी का नज़ारा आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं सामने गुलाबबाड़ी है और आप फूल भी देख सकते हैं कई सारे यहाँ पे अलग अलग तरह के फूल लगे हुए हैं, इसीलिए गुलाबबाड़ी इसका नाम ही रखा गया है। अभी आपको कई तरह के गुलाब भी इसमें मैं दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं पूरा व्यू चारों तरफ का किस तरह से है। और बाय चांस अगर आपको पेड़ घर पे लगाना हो या लेना हो तो यहाँ पे मिल भी जाता है, वो साइड में है वहाँ पे, वहाँ से आप ख़रीद भी सकते हैं। आइए मैं आपको अंदर ले चल सकता हूँ, क्या क्या है अंदर, कैसे क्या है मैं आपको अंदर भी दिखाता हूँ। और ये बीच में आप देखिए कितना छोटा सा प्यारा सा पानी का वो है, इसमें लाइटिंग वाइटिंग की भी सुविधा रहती है, लेकिन अभी कार थोड़ा प्रकृति पे है इसलिए नहीं हो पा रहा है, नहीं तो मैं आपको दिखाता किस तरह से व्यू रहता है। और मैं अभी अंदर चल रहा हूँ, अंदर भी दिखाता हूँ कैसे क्या क्या है। आप भी मेरे साथ वीडियो में ऐसे बने रहिएगा और देखते रहिए क्या है, क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते गुलाबबाड़ी है क्या। और कभी कभी ये ताजमहल भी का भी कुछ सीन दे देता है देखने पे, और है नहीं ताजमहल। आप ये देखिए, आप देख ही रहे हैं कितना अच्छा व्यू है। ये देखो प्यारी बच्ची खाना खिला रही, खिला दो खिला दो, ये देखो खिला दी खाना, मछली को खाना खिला रही, मछली देखो कैसे आ गए, ये देखो कितनी सारी मछली आ गए, खिला दी, और खिलाओगी और खिलाओगी और खिला दो खिला दो, अरे इतनी सारी मछलियों। हाँ देख ही रहे हैं कितनी अच्छी तरह से गलियां बनाई गई हैं, छोटी 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 गलियां सब तरफ बनाई गई हैं। आप जब घूमेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और जब आप यहाँ पे आए तो मछलियाँ बहुत हैं, सारी छोटी छोटी नदियों में जैसे छोटी छोटी झीलों में जैसे बनाया गया और सारों में मछली। अगर आप यहाँ पे आए तो मछलियों के लिए खाना जरूर लेके आए, मछलियाँ पसंद करेंगे आपको, क्योंकि यहाँ बहुत छोटी 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 बहुत सारी मछलियाँ हैं, हर तालाब के अंदर छोटे छोटे तालाब हैं यहाँ पे और सारे में मछलियाँ हैं। तो आप जब भी आएँ फैमिली के साथ या अकेले आएँ तो ज़रूर लेके आएँ। आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है। का मकबरा है, मैं आपको अंदर ले चलता हूँ, अंदर का व्यू दिखाता हूँ कैसे क्या क्या है। वैसे सारी चीज़ें लॉक हो चुकी हैं, ये देखिए कितनी अच्छे से लॉक है, नहीं तो मैं आपको ऊपर भी ले चलता, ये सब चीज़ लॉक होगा। आप ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी सुरंगें हैं, छोटी छोटी, देखिए देखिए, ये देखिए कुछ लोग नाम भी लिखे हैं अपना अपना, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ से।
ऐतिहासिक धरोहर जो पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है, हम इसके अंदर हैं। और यहाँ पे आशिकों की ज़रा कलाकारियाँ देखिए, इन्होंने किस तरह से धरोहर को नुकसान पहुँचाया, क्षति है, इससे कुछ होने होने वाला है नहीं, बट इन लोगों ने दीवारों को काफ़ी गंदा किया है। कृपया कर अपनी ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित रखें। और ये हम आ चुके हैं सेकंड एंट्रेंस पे, बहुत प्यारा नज़ारा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत से कपल्स भी आते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, बहुत रिलैक्स फील होता है यहाँ पे बैठने के लिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है। और फैमिली के साथ भी लोग आते हैं। संडे को ज़्यादातर बच्चे बहुत आना पसंद करते हैं खेलना कूदना, क्योंकि बहुत बड़ा मैदान है ये। जब आप अंदर की तरफ आते हैं, बहुत बड़ा मैदान है, आप देख ही सकते हैं सब किस तरह से बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप यहाँ पे आएंगे, और जब आप फैमिली के साथ आएंगे तो बहुत इन्जॉय करने के लिए मिलेगा। है पुरानी चीज़ें लेकिन बहुत अच्छी हैं। सबसे पीछे दौर है, और इसके पीछे साइड जंगली जंगल है, जो कि मंगल यहाँ पे होता था बहुत सारे, इसीलिए बंद करवा दिया गया इसको, इसीलिए अब कोई नहीं जाता है। आप देख सकते हैं लॉक भी है बहुत अच्छी तरीके से। और आप ये पेड़ भी देख सकते हैं, ये पेड़ 200 साल पुराना है। मैं आपको दिखाता हूँ इस पेड़ के भी बारे में, ये 200 साल पुराना बहुत पुराना पेड़ है ये। और आप ये देख सकते हैं, दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, गुलाबबाड़ी की टाइमिंग जो कि सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक रहती है। ठंडी का सीज़न आ रहा है इसलिए 6 बजे हो गए, तो पहले गर्मी रहती थी तो 7 बजे तक रहता था, ठंडियों में 6 बजे तक खाली रहता है। अगर जब भी आप आएँ तो सुबह 7 बजे से लेकर शाम को आपको 6 बजे तक खाली ओपन मिलेगा, और बाकी टाइम फिर ये बंद रहता है। और मैं भी इस समय चल रहा हूँ अपने घर की तरफ, क्योंकि क्लोजिंग का टाइम हो चुका है। और आप मेरे चैनल को इसी तरह से लाइक करते रहा करिए, और अगर चैनल पे आप न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।